श्री नरेंद्र कुमार कश्यप. नरेंद्र कुमार कश्यप. यस यस. महोदय, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दो सदस्यों का नाम है और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं जो मेरे दूसरे सदस्य हैं उनको एक या दो मिनट का समय चाहिएगा, बाकी समय का मुझे इस्तेमाल करना है, लिहाजा बीच में तकलीफ ना हो. जी, ये दो नाम हमारे पास है इसलिए मैंने अर्ज किया है कि जो दूसरे मेंबर हैं हमारे वो एक या दो मिनट बोलेंगे, दो तीन मिनट, बाकी समय मुझे नहीं पता है कितना बोलेंगे, परंतु समय का विभाजन करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा. जैसा मैं बोलते रहता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, तो उनको मैं अपने मर्जी से नहीं रोकता किसी को. उनको तीन मिनट दे दो, बाकी इनको दे दो. महोदय, कोई पार्टी के लोग, आपने आपने मुझे रेल बजट पे बोलने का अवसर दिया, मैं बहुत आपका आभारी हूँ. आप कह देना जरा उनको कि मैं दो तीन मिनट बोलूंगा और मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया. आंकड़े और आरोप, इससे विरत होकर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव और सकारात्मक सोच के साथ बहुत कम शब्दों में अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा. और उससे पहले हार्दिक शुभकामनाएं अपने रेल मंत्री जी को, चूंकि इस नई सरकार में आपने पहला बजट ये रेल का पेश किया है, उसके लिए बधाई और शुभकामनाएं. और खास तौर से मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं उन गरीब रेल यात्रियों के संबंध में कनक लेता, जिनकी दयनीय स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं होती है. गरीब से अभिप्राय किसी भी वर्ग समुदाय से हो सकता है, वो दलित भी हो सकता है, वो पिछड़ा भी हो सकता है, वो माइनॉरिटीज के लोग भी हो सकते हैं, सामान्य जाति के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन इस बड़े वर्ग और बड़े समूह का सफर सुगम कैसे हो, सस्ता कैसे हो, इस पर भी कुछ विचार कुछ काम करने की जरूरत है. खास तौर से स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए देश ये सोचता था जी, नमस्कार, सदन भी सोचता था कि नई सरकार आई है, नए रेल मंत्री जी का आगमन हुआ है, शायद गरीब रेल यात्रियों को रेल यात्रा के किराए में कुछ ना कुछ कटौती का लाभ मिलेगा, ऐसी आशाएं देश के लोगों ने नई सरकार और मंत्री महोदय से की थी. और वो क्यों की थी महोदय, मैं थोड़ा सा ध्यान अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार के संबंध में इसलिए दिलाना चाहता हूं, ये भी कल के लिए, क्योंकि हमारे देश का यातायात सिस्टम कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल और तमाम पेट्रोलियम पदार्थों से संचालित होता है. ये कल के लिए. आदरणीय रेल मंत्री जी, जब पहला रेल बजट आया था 2014 में, उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य 106.30 डॉलर प्रति बैरल था, जून जुलाई 2014 में. नरेश अग्रवाल पूछा, बोला, और उन हालात में आपने ये कहना कर लेता 14% रेल यात्रियों के किराए में इजाफा किया, उस समय दूसरे रेल मंत्री थे, और 6.5% माल भाड़े में वृद्धि की गई. आज
जब आपके माध्यम से ये बजट पेश हुआ तो फरवरी के महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में भारी कमी आई है और सरकार के पास सूचना है, सदन जानता है, देश जानता है कि फरवरी 2015 में कच्चे तेल के दाम 55.15 डॉलर प्रति बैरल है, 106 था 2014 जून जुलाई में और 55.15 है फरवरी 2015 में। महोदय, मतलब बड़ा साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम के पदार्थों में आज की तारीख में 2014 के मुकाबले 50% के करीब मंदी आई है, मंदा हुआ है। लेकिन रेल भाड़ा, रेल यात्री भाड़ा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। महोदय, हमारे देश की विडंबना है, क्षमा करेंगे सत्ताधारी पार्टी के लोग, इधर से भी रहे उधर से भी रहे, कि जब पेट्रोलियम के दाम बढ़ते हैं, जब डीजल महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है तो रेल का भाड़ा बढ़ जाता है, जब डीजल पेट्रोल महंगा होता है तो बस का भाड़ा बढ़ जाता है, इवन टू ऑटो रिक्शा का भाड़ा बढ़ जाता है, ट्रक का भाड़ा बढ़ जाता है। और जब वो दाम घट के कम होते हैं, ना तो देश की सरकारें ना तो प्रांतों की सरकारें घटे दामों के बावजूद किसी प्रकार से भी यात्री भाड़े में या माल भाड़े में कटौती नहीं करती। महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने बहुत ही योग्य और बहुत ही काबिल आदरणीय रेल मंत्री जी को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि 2014 और 2015 के कच्चे दामों में आई गिरावट के अनुपात के अनुसार आप संज्ञान लेकर देश के उन करोड़ों गरीब यात्रियों के लिए जिनके पास रेल की यात्रा करने के अलावा कोई माध्यम ही नहीं होता, वो टैक्सी नहीं ले सकते, वो एसी बसों में नहीं जा सकते, उनके पास अपना कोई टू व्हीलर नहीं होता, वो छोटी मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटी झाड़ी करने वाले लोग हैं, मेरे आपसे अनुरोध है और आपका, आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का ये मैसेज भी है, ये संदेश भी है, स्लोगन भी है कि अच्छे दिन आएंगे, गरीबों के अच्छे दिन आ सके, मेरा अनुरोध है कि आप मौजूदा रेल यात्री भाड़े में समीक्षा करें, इसको आप रिव्यू करिए। अगर आपको लगता है कि जो मैं कह रहा हूं, जो देश सुन रहा है वो सत्य है, तो कृपया करके कुछ ना कुछ गरीब यात्रियों को जो सेकंड क्लास में या स्लीपर में सफर करते हैं उनके उनके यात्री किराए में आप कटौती करने पर जरूर विचार करें। महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से एक और अपील करना चाहता हूं, खास तौर से गरीब छात्र और छात्राओं के संबंध में। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारे देश की 70% आबादी गांवों में निवास करती है और हमारे देश के बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसी हैं जो अपनी कोई परीक्षा देने जाएं टिकट का प्रबंध नहीं होता, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी और बदहाली के कारण अच्छे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ पाते चूंकि यातायात का साधन नहीं होता। मैं महोदय आपके माध्यम से अपने मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वो गरीब यात्रियों की सुविधा को सुगम बनाने के साथ साथ हमारे देश की उन भावी आशाओं को जो छात्र छात्राएं हैं जिनका शिक्षण का समय है, वो अपनी एजुकेशन, वो अपनी परीक्षा, वो अपनी प्रतियोगिता सुगमता के साथ आवागमन के माध्यम से कर सकें, इसलिए अपने रेल बजट में
छात्र छात्राओं को किराए में विशेष छूट का प्रावधान करने की कृपा जरूर करें, ताकि छात्र छात्राओं को अपनी एजुकेशन, अपना विकास और देश की समृद्धि में अपनी भागीदारी करने का अवसर मिल सके। और अगला जो मेरा अनुरोध है सभापति जी आपके माध्यम से, कि आपने माल भाड़े में वृद्धि की है, हो सकता है रेल की जरूरत है, ये वृद्धि करना, हो सकता है आपका विभाग को और ज्यादा कलेक्शन की आवश्यकता है, लेकिन उपसभापति महोदय, हमारे सदन को, सरकार को और देश को अभी इससे कुछ आगे भी जाकर सोचना पड़ेगा। आदरणीय रेल मंत्री जी, आपने माल भाड़ा बढ़ाया, जरा इस पर चिंतन करिए कि माल भाड़ा अगर बढ़ता है तो आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, माल भाड़ा अगर बढ़ता है तो सीमेंट रेल रोड़ी बदरपुर महंगा होगा, माल भाड़ा अगर बढ़ता है तो पहनने का कपड़ा, खाने की चीजें महंगी होंगी। क्या सरकार, क्या आदरणीय रेल मंत्री जी देश में और ज्यादा महंगाई बढ़ाने के पक्ष में है? तो कृपया मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं, चूंकि हमारा देश वैसे ही महंगाई के दौर से गुजर रहा है, आम आदमी के सामने आज दो वक्त की रोटी जुटाने का संकट है, ऐसे में आवश्यक वस्तुओं के दाम अगर बढ़ते हैं तो उनके लिए जीवन का संकट और ज्यादा गहरा हो जाएगा। इसलिए अगर संभव हो सके, क्योंकि अभी पिछले साल अभी तो 8 महीने हुए हैं, आपने 6.5% माल भाड़ा बढ़ाया था, 14% रेल यात्री का भाड़ा बढ़ाया था, फिर 10% बढ़ा दिया है, नई ट्रेन शुरू नहीं हो रही है, जो भी आपके बजट में आया मैं तो उसके आधार पर कह रहा हूं, बाकी आप जब जवाब देंगे क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। अच्छी बात है अगर 3% की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बढ़ तो रहा ही है, अगर 3% भी बढ़ा है तो इट मींस कि महंगाई तो कुछ ना कुछ बढ़ेगी उससे। तो मेरा अनुरोध है कि देश में महंगाई को लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं हमें इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। महोदय, महिलाओं की सुरक्षा आज देश की रेल की सबसे बड़ी समस्या है, और यह समस्या इसलिए है कि रोजाना अखबारों में, रोजाना मीडिया में, आम जनमानस में ऐसी बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी घटनाएं प्रकाशित होती रहती हैं कि फलानी ट्रेन में छेड़छाड़ हो गई, कहीं पे अश्लील हरकतें महिलाओं के साथ होती हैं, बहुत सारे ऐसे अपराधी भी हैं जो महिलाओं की आबरू से खेलने की कोशिश भी ट्रेनों में करते हैं। आज जहां हम रेल के विकास की बात सोच रहे हैं, जहां हम रेल को देश का मुख्य यातायात का साधन बनाने पर विचार कर रहे हैं, ये सदन पूरा आपके साथ है, ये देश पूरा आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर हमारे देश की महिलाओं की आबरू, उनकी इज्जत, उनका सम्मान हम अपनी ट्रेनों में सुरक्षित रखने में कामयाब नहीं होते हैं, तो शायद ये हमारे रेल बजट की बहुत बड़ी नाकामयाबी होगी। मेरा सुझाव है, आपने सीसीटीवी कैमरा लगाने पर एक बेहतरीन कदम, मैं आपको बधाई दूंगा, जो अच्छा किया उसको अच्छा कहेंगे, कि सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रोविजन बजट में आप लेकर आए, निश्चित तौर से आपके इस कदम से महोदय, मैं भी चुके आप बाद में आए थे पीठ पर, वन मोर स्पीकर इज निश्चित हमारे बीच में स्पीकर है, दो सिर्फ आपके लिए, दो मिनट, हाँ ओके ओके होना ही है, ओके ठीक है, ठीक है, दो नहीं 3 मिनट बोलिए, ठीक है, ओके प्लीज कंटिन्यू। तो मेरा बोलिए, मेरा आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी, आपने जो कदम उठाया बहुत बेहतरीन, सारा देश सराहना करता है उसका, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के जरिए हम अपराधी का पता लगा सकते हैं, उसको दंडित करने के लिए हमें पुलिसिंग व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा,
हमें न्यायालय को दुरुस्त करना पड़ेगा। और पुलिसिंग व्यवस्था कैसे होगी? आपके पिछले साल के बजट में यह इस बात को दर्शाया गया था कि हम 4000 महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती करेंगे। क्या क्या वो 4000 महिलाओं की भर्ती का कार्य कंप्लीट हो गया है? क्या वो 4000 महिलाएं, पुलिस महिलाएं, इतने बड़े रेल तंत्र की सुरक्षा करने में महिलाओं के लिए खास तौर से कामयाब हो सकती हैं, जहां 2 से 2.5 करोड़ लोग डेली ट्रेनों में सफर करते हो, उन बड़ी ट्रेनों में 4000 महिलाओं की भर्ती करके क्या महिलाओं की आबरू, महिलाओं की सुरक्षा किया जाना संभव है? एक सवाल या निशान ये खड़ा होता है। मेरा मशवरा है कि कृपया जो 4000 का वादा किया गया वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, इस पर आपका जवाब आए तो बड़ी मेहरबानी होगी। और 4000 से ज्यादा कितना पुलिस महिलाओं की भर्ती और की जाने वांछित है आवश्यकता के हिसाब से, अगर इस पे भी माननीय मंत्री जी अपनी कोई प्रतिक्रिया देंगे, अपनी कोई कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, तो संभव था महिलाओं की सुरक्षा पर कोई ना कोई बेहतर काम हो सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमारे देश की रेल को महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर और ज्यादा सिंसियरिटी के साथ अपना कदम उठाने की आवश्यकता है। एक बड़ी समस्या पूरे वर्ल्ड में, हमारा देश और हमारे देश की रेल का कम से कम दुर्घटना के मसले पर हमारी पोजीशन वर्ल्ड में बड़ी खराब है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं, सबसे ज्यादा मौतें अगर कहीं हो रही हैं तो वो हमारे देश में हो रही हैं। इसके लिए समय समय पर बहुत सारे कदम और बहुत सारी बातें उठती रही हैं। महोदय, पिछले 5 सालों की चर्चा आदरणीय मंत्री जी आपकी सारी जानकारी में है। अगर मैं आपके बीच करना चाहूं, पिछले 5 सालों में 674 रेल दुर्घटनाएं हमारे देश में हुई हैं। अभी आपकी नई सरकार हुई, नई सरकार गठन के बाद तुरंत यूपी में दुर्घटना हुई और अभी तक 1294 यात्री पिछले 5 वर्षों में मृत्यु के गाल में समा गए। 5000 से ज्यादा लोग घायल गंभीर रूप से हुए और करोड़ों रुपए की रेल की संपत्ति का नुकसान हुआ। ये आज से नहीं है, ये रेल विभाग हमारा अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। लेकिन अभी तक रेल दुर्घटनाओं के विराम पर हमारी सरकार की कोई ठोस नीति, कोई ठोस आधार अभी तक तैयार नहीं हो पाया। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह अपील करना चाहता हूं कि रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मानव रहित, चाहे फाटक की बात हो, रेलवे लाइन की दोनों साइड में वॉल बनाने की बात हो, या कर्मचारियों की लापरवाही की बात हो, इंजन में खराबी की बात हो, या कोई भी कमी हो, इस पर बड़े पैमाने पर अभी काम करने की जरूरत है ताकि हमारे देश में दुर्घटनाओं पर विराम लगाया जा सके। एक दिन सदन में आप उपस्थित हुए थे, सवाल हुआ था रेल के डेवलपमेंट्स को लेकर, पीपीपी मॉडल को लेकर सवाल हुआ था। उस दिन मैंने सभापति जी के माध्यम से आपसे एक प्रश्न किया था जिसको मैं आज दोहराना चाहता हूं कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें लाखों लोग काम करते हैं, जो मेरी जानकारी 13 लाख से ज्यादा। हमने सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जिज्ञासा रखी थी कि भारत की रेल में जो लाखों एम्प्लाइज काम करते हैं, उन काम करने वाले एम्प्लाइज को क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, क्या भारतीय संविधान के आधार पर जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन देने का प्रोविजन है? हमने जानना चाहा था कि माननीय मंत्री जी, जो 13 लाख से ज्यादा कर्मी रेल विभाग में काम करते हैं, क्या भारतीय संविधान के मानक के आधार पर उनमें रिजर्वेशन का कोटा कंप्लीट है? तो उस समय सवाल ये आया था कि आज जानकारी नहीं है, बताया नहीं जा सकता, लेकिन संभवतः आज मंत्री जी के पास जानकारी होगी। कृपया जब अपना उत्तर दें तो इस पर जरूर जवाब दें। जो मेरी जानकारी है आदरणीय मंत्री जी, कि अभी तक 2015 तक एससी एसटी ओबीसी के लोगों का रिजर्वेशन का कोटा
रेल विभाग पूरा नहीं कर सका है। इस पर भी रेल विभाग को काम करने की जरूरत है। अगर शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, ओबीसी के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अधिकार दिया है, एक उनको सुविधा दी है, तो उसका लाभ निश्चित तौर से हमारी सरकार को, इस देश की सरकार को देना चाहिए। इसलिए इस पर भी कोई ना कोई बड़े काम और जवाब की जरूरत है। महोदय, इसके अलावा एक प्रश्न उठा कि यस, मैं शॉर्ट कर रहा हूं पीपीपी मॉडल पे प्रश्न उठा। हमें ऐतराज नहीं है, आपको रेल का विकास करना है, आप करें, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि पीपीपी मॉडल के माध्यम से या जो निवेश करने का मन रेल विभाग में हुआ है 8.5 लाख करोड़ का, कहीं इसके माध्यम से जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनका रिजर्वेशन का कोटा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर संभव हो तो उस सिस्टम में भी रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू हो। हमारी आपसे ऐसी अपील है। बुलेट ट्रेन बहुत महंगी ट्रेन है, 65,000 करोड़ का खर्चा एक ट्रेन पर आता है। आपकी सरकार का ऐलान था कि हम चलाएंगे, लेकिन इस 9 महीने के समय में रेल चलने की बात छोड़े, अभी तक क्या प्रगति हुई? अगर उस पर भी आप अपनी बात रखेंगे तो शायद देश को ये बात समझ में आ जाएगी कि इस विभाग में अभी तक क्या हुआ है। महोदय, बातें बहुत सारी रह गई हैं, मैं क्षमा चाहता हूं मंत्री जी, बाकी चीजें और बाकी सुझाव अगर सभापति जी मुझे आज्ञा देंगे तो मैं लिखित में आपको ये पेश कर दूंगा। चूंकि रेल की आय कैसे बढ़े, रेल का सिस्टम कैसे बढ़े, डेवलपमेंट्स कैसे हो, इसके लिए बहुत सारे सुझाव मेरे पास हैं, तो मैं मिलकर आपको देने की इच्छा रखूंगा। हम चाहेंगे कि रेल विभाग मजबूत हो, सशक्त हो, और आपकी लीडरशिप में जो देश के दलित हैं, पिछड़े, कमजोर हैं, उनको भी अपना अधिकार मिले। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ थैंक यू कश्यप। नाउ श्रीमती विजिला सत्यनाथ। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, आई थैंक माई रिवियर्ड लीडर Dr. Purachi Talavi Amma for giving me an opportunity to put forth my views on the railway budget 2015. And I, at the outset, I proudly want to point out that in September 2014, Hollywood actor and former California Governor Arnold Schwarzenegger met our revered leader Dr. Purachi Talavi Amma and said that, I quote, "It was fantastic to sit down with her and discuss the success she was having in Tamil Nadu and the challenges she faced," unquote. He told Amma, "The work that you have done for women and children really touched me. I am not surprised at all that the people of Tamil Nadu call you Amma. That is the greatness of Amma. Her unique, distinguished qualities, adamant in her stand, boldness to be bold, courageous, disciplined, visionary to be visionary, and also vernacular brilliance. She is incomparable. So only we call Purachi Talavi Amma." Welcoming the railway budget 2015, our All India Anna Dravida Munnetra Kazhaga chief and our revered leader Dr. Purachi Talavi Amma was happy that the Union Railway Minister Suresh Prabhu has not increased the passenger rail fares, sparing the common man. Budget aims to achieve a substantial improvement of the operating ratio in the coming fiscal year through efficiency measures. She was also happy that safety of women passengers, cleanliness in the railways, and environmental sustainability have all been accorded appropriate high priority by the railway minister. Passenger amenities are also being improved by harnessing information and communication technology. She demanded to purchase cheaper traction power by railways
which should be in consultation with the state governments and power utilities. She also demanded that Chennai should be given high priority in the diamond quadrilateral high-speed rail network, for which the preparatory works ought to be commenced soon. She also compares the proposed new infrastructure financing mechanism in the budget with that of Tamil Nadu Infrastructure Fund Management Company, TNIFMC. She appealed the centre to ensure enough funds for projects in Tamil Nadu, which have been held up for the want of funds. Tamil Nadu has sought support for 10 critical new projects which need to be taken up for the state of Tamil Nadu. And similarly, 22 projects are pending execution, which were announced on various earlier occasions but were not being taken up for want of funds. She hopes that after that, the review is completed, our demands will be addressed. She demanded speedy implementation of the three railway projects, the Chennai-Thoothukudi Freight Corridor, the Chennai-Madurai-Kanyakumari High-Speed Passenger Link, and Coimbatore-Madurai High-Speed Passenger Link. However, she said that it is very disappointing to note that the budget has not made announcements regarding the introduction of new trains. The leader is always ahead of time. It is sure and true that everyone can't fathom meaning of all the moves that leader takes. I extend my sincere thanks and wish the Honorable Railway Minister, the architect of Electricity Act 2003, which became a panacea for all ills of power sector, emulate his success in the railway as well. Here I want to mention that the selective opening up of FDI in railway in presidential address has been followed up in railway budget, mentioning 8,60,000 crores is going to be attracted through FDI. For railway, the problem is underinvestment. Now ills being found, medication is the next step. I should say that government is sincere and will be fast enough on this front also. I welcome the projected plan expenditure of 1 lakh crore. And another path-breaking announcement is fixation of tariff regulator. And fast trains, and another thing I have figured out, the core systematic issue, which is capacity is constrained. Fast trains are held back because slow-moving goods trains are just ahead of them. You began to deal with them, which will lead to doubling of average train speed. Some of the measures which deserves kudos are improving operating ratio, pegged at 88.5% to 91.8%, higher provision for depreciation reserve fund, and 4 times increase in railway development fund to 5,750 crores, and new solar capacity of 10,000 megawatts. And my suggestion, when I spoke last time on the same railway budget, I remember that the then Railway Minister Sathyananth Gowdaji, the observation that the members have not come with the proposals for increasing revenue. And my suggestion here, I can at this point in time give that the railway can ponder over building multi-level parking system in all the railway stations all over India, which is also a Tamil Nadu model. Because in every local body, our Honorable Prachi Thalavi Amma, then she ordered that in all the bus stations, we would have a multi-level parking system for parking four-wheeler and two-wheeler vehicles, which will produce us a good revenue for the local bodies. The same pattern, the same model, Tamil Nadu model, can be implemented in all the railway stations of India, where a good revenue can be generated.
Maybe the nitty-gritty could be worked out consulting with the experts. It is also my great anguish that one point, have you all tested the sweet taste of Amma mineral water? You compare the sweetest taste of Amma mineral water with the rail neer. The taste, because it is triply sterilized, it has a very sweet taste, and it is sold only for rupees 10 in all the bus stations in Tamil Nadu. Whereas the rail neer, not up to the mark, the taste is not that much good, but it is sold for 15 rupees in all the railway junctions. We would like the railway minister to taste the Amma mineral water and just turn out the rail neer also to have a very good taste, as well as bring down rupees 15 to rupees 10. One more suggestion I bring to the notice of the minister is that in his idea of ensuring passenger safety, we can install surveillance camera in every compartment, working as a small satellite. I've got a model which has been a depiction of the system created by my engineering acquaintances, and I would, with your permission, I would like to give this real-time security camera surveillance system, a model of this, through you. I can submit it to a railway minister for his thorough in going through this, and he can take efforts and for the due consideration of this in all the compartments of the trains. And your target of 20% increase in track length, which in turn increase number of passengers traveling a day from present 2 crore to 3 crore, is a very good move. But I doubt this will fetch desired result as long as the number of coaches are not increased proportion to the number of passengers on the waiting list. At this hour, I also wanted to bring to the notice of the minister that Tamil Nadu has been one of the states where highest law-abiding railway travelers. We have highest law-abiding train travelers, but in Tamil Nadu, the expresses from Chennai, Tirunelveli bound, Kanyakumari bound, are always brimming with travelers. Our union minister also knows this. In unreserved coaches, so much as many are traveling, sitting inside the toilet rooms for hours together. So my point is, seriously think to it, add extra coaches in those trains which have more unreserved category, improve the coaches. And also, I wanted to again remind you that Bombay, the Tirunelveli bound Bombay trains, the time has to be amended. So the time, because they reach Tirunelveli in odd hours, so the times may be shifted. And also, I would, mobilization of 1 crore planned expenditure should be worked on time frame, and because it involves budgetary support. And introduction of toll-free number 182 for security-related complaints must be handled by not railway stations, but dedicated call centers, like 108 ambulances, how it works. Likewise, 182, the toll number, should have dedicated call centers. And to conclude, the spirit, I'm concluding very early today, and to conclude, the spirit in which you keep common man in mind is welcome, appreciable, and reminds me of the spirit that Professor Madhu Dandavate held for a common man. I urge, as the members of this august house, to etch in mind the words of Mahatma Gandhiji, since this year marks the 100th year of his return from South Africa to India. And I would recall the face of the poorest and weakest man you have seen, and ask yourself if this step you contemplate is going to be any use to him. Thank you. Thank you. In time you are.
A lot of time you have taken it. Thank you. Shri T.K. Rangarajan. Thank you, sir. Before I proceed my speech on railway budget, I wish the railway minister all the best, and I also wish him that he should stay in the ministry as a minister for all the 4 years. If you see the past record, I observed 2004 to 2014, in a matter of 10 years, there were 5 railway ministers, an average 1 minister for every 2 years. I also observed that each railway minister announcing schemes of thousands of crores of value, and even before the scheme started, he happens to leave the ministry. To quote from the previous budget, 2005-06, the proposed development fund is 24,000 crores. 2006-2007 budget, 22,000 crores. 2008-2009, 75,000 crores. 2012-13, 19,000 crores. So all the money announced, nothing is implemented. The budget presented by each minister has no linkage with the past proposal. And we members, the people of this country, are in the dark as what happened to the schemes announced by the earlier budget. Every year when the budget is presented, there is a situation, inadequate fund for development. The Standing Committee report on railways 2014-15 observed, I quote, that repeated shortfall in the annual plan have an adverse effect on railway finance, resulting in cut in expenditure on critical planned works. The committee therefore would like to serious efforts to be made by the Ministry of Railways to fully achieve the annual target. The Standing Committee further observed that in the last 10 years, out of the sanctioned 99 new line projects, the ministry is able to complete only one project. There are 4 projects which are not as old as 30 years and still not completed. Just cases pending in high courts and Supreme Court. Today, Supreme Court, we have got 65,000 cases. In high courts, lack of cases. This is a sad situation prevailing one of the world's largest government department, which is serving millions of the people, particularly those under middle class and lower income people in our vast country of Bharat. While this pitiable situation of our railways and the railway budget, our minister has presented a budget this year and he proposes to invest 8.5 lakhs crores in 5 years. Thanks, when he came here, he said that Life Insurance Corporation offers 1,50,000 crores. It's a good thing. I think railway minister started moving. But he had to get other 7 lakhs crores. Sir, the public enterprise survey in 2013-14 presented by the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises states that 284 projects in railway sector under implementation as on 31-3-2014. The original cost of the implementation is 1,48,717 crores. The anticipated completion of the cost reported 2,57,761 crores. This is 73% more than original cost. You delay, the cost is going up. You delay, further cost is going up. Next, I come to the railway safety. While the number of accidents have come down in the last 10 years, the white paper has observed derailment is one of the causes for major accident. One of the causes for derailment is worn out rails. The paper also observed
areas of track renewal and accumulating, I feel more funds needed to be allotted for tracks renewal and avoid accident due to derailing. Dr. Anil Kotkar committee has estimated that rupees 1 lakh crore is required for implementing safety measures in railways. It is also suggested a railway safety authority should be established with the powers to have a safety oversight on the railway observation. I request the minister to consider and implement it. Sir, on railway safety, I wanted to bring to your kind attention one sad incident. The President of World Council of Ari Samaj, Swami Agnesh, has brought to our attention, I am prepared to lay that letter here. I am having a copy of the letter. Letters to the Prime Minister and Railway Minister, dated 16 February. And Railway Minister requesting to them to complete the accident enquiries with the time frame and make them public has not been replied. He has sent two letters, one to Prime Minister, one to Railway Minister. Still, it has not replied. The RTI enquiry, he himself went to the RTI, Swamiji, where it published enquiry reports in accident. Northern Railway replied, railways do not do so being a policy matter. When accident occurs, papers will be published, media will cover, the family will suffer. But why that accident happened? Enquiry has been conducted. But why they don't, as a policy matter, what policy? And East Coast Railway, in the reply, they stated, such a report is confidential document not to be produced or cited as a piece evidence in the court of law. This is a minimum government and maximum governance. See, these are all from this letter, Swamiji's letter. See, Swamiji's letter, I wanted to quote one para. What he writes to the Prime Minister and Railway Minister. It is really disturbing to note that Government of India, having monopoly in the matter of railways, is not discharging its social responsibility towards public by not publishing enquiry reports on serious accidents in which previous life is lost. In serious national issues like affecting safety and passenger, Chief Commissioner of Railway Safety or Railway Board or concerned ministry cannot be and should not be vested with the discretion of deciding whether or not to publish the enquiry report. Several crores of rupees are spent on the statutory enquiries from the taxpayers' money, and people have right to know about the reasons behind the accident action taken. Central government owes to the public to conduct all such statutory enquiries with deadline and publish reports. Finally, he concludes, dear Prime Minister, while you are leading the country in an era of bullet trains, you must take initiative in this crucial aspect of passenger safety and allay the fears of the mind of travelling public. Sir, you have stated in your white paper, introduction of new trains should be avoided until the capacity accumulation is firmly in place. In same para, item number one, you have stated the concept of premium trains needed to be enhanced. Sir, the fares in the premium trains are 3 times to 4 times high than regular fare. It is reported to me that these trains are running not even 25% filled. I request you to reconsider the decision of running premium trains, and instead of they should run special trains on the normal fare. Sir, implementation of national projects
in the Northeastern Railway, CCEA, has approved creation of non-lapsable fund called the Northeast Region Rail Development Fund. It appears the fund could not be created due to the objection of the CGA. I would like to know whether the objection has since been removed. If not, I urge upon the Railway Minister to take up this issue with the Ministry of Finance and resolve it. This will pave for a faster development of railways in Northeast region. Dear sir, I appeal to the MPs. You have appealed to the MPs to allot their MP-led funds for providing certain infrastructure in the railway station. In this connection, I would honestly like to point out to you, the fund is already loaded with the schemes of SAGY, providing toilet in schools, sports, and for disaster in Jammu and Kashmir. I shall suggest, and I request also the government. The government can take the entire MPL fund. We you don't want that fund. Sir, Mr. Rangarajan, I am very sincere in my I am sincere. As for I am from Marxist Communist Party. We from Marxist Communist Party say you take that money. Wherever you wanted to spend money, you spend. We don't want to spend that money. So this is the most important for travelers in Tamil Nadu. Sir, I would like to bring to your kind notice one aspect of the sexual harassment in our place. So today, railway, if you go to workshop, or if you go to yard, or if you go to office, number of young women are working. Skilled women are going to workshop. The Supreme Court in Visakha judgment, as preventive steps, he advises employers should express prohibition of sexual harassment as stated in the judgment at the workplace, and it should be notified, published and circulated in appropriate ways. I request the same way, please implement in the railway at the earliest. Okay, sir, thank finally. You, thank you, your time is, a lot of time is over. Mr. Rangarajan, please. You may be aware that multi-city union in railway, many times they show competitive militancy to win the members to their side. Taking into the consideration in certain public sector, central public sector and state public sector, for example, public sector banks also allotted non-recognized union a place for a notice board, union office and consultative status. I suggest in railway, those union which secure more than 10% vote from their members in the election for recognition may be allowed to place function and allowed to make representation to the general manager and board level. This will enable the vast section of workers to represent their grievances through their organization and will be tranquilly in the organization. I request you to consider that. Thank you very much. Okay,